हेलो स्टूडेंट्स, तो हम 12th बायो का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे हैं। उसमें लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। आज हम शुरू कर रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या शुरू कर रहे हैं? स्पोर फॉर्मेशन, या इसको क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन स्पोर। स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पोरुलेशन। डेफिनेशन पूछी जाती है काफी बार एग्जाम के अंदर। स्पोरुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। स्पोर की फॉर्मेशन को स्पोरुलेशन कहते हैं। अब स्पोर्स क्या होते हैं या स्पोर का वर्क क्या होता है? स्पोर्स बहुत ही टाइनी और माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि एल्गी, फंजाई, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, उनके जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ये बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डेवलप होने के बाद एनवायरमेंट के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं और एक नए एरिया के अंदर या सराउंडिंग एरियाज के अंदर इन स्पीसीज को आगे से आगे प्रोपेगेट करवाते हैं या उन्हीं स्पीसीज को, उन स्पीसीज को, नए ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। तो स्पोर क्या है? दीज आर वेरी टाइनी माइन्यूट एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। टाइनी और माइन्यूट वैसे आपको जरूरी नहीं, दोनों को एक भी लिख सकते हो। माइन्यूट स्ट्रक्चर्स फाउंड, दीज आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फाउंड इन एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। जनरली उनके अंदर ये स्पोर फॉर्मेशन होती है। अब स्पोर दो टाइप के हो सकते हैं। स्पोर मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल स्पोर्स और दूसरे कौन से हो सकते हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल स्पोर और नॉन मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल के नाम से ही आपको पता लग रहा है, जो मोटाइल हैं, जो लोकोमोट कर सकते हैं। तो आपको पता है लोकोमोट करने के लिए यहां पे किसकी जरूरत होगी? फ्लेजिला की। किसकी जरूरत होगी? फ्लेजिला की जरूरत होगी। तो क्या होगा यहां पे? जैसे आपने जूओस्पोर का नाम सुना होगा, जूओस्पोर। ये क्या होता है? जूओस्पोर ये बाईफ्लेजिलेटेड होता है। बाईफ्लेजिलेटेड, कुछ स्पोर के अंदर चार फ्लेजिला भी मिलते हैं, कई मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, कई यूनिन्यूक्लिएटेड भी होते हैं और कई बाइक। जैसे जूओस्पोर की बात करें तो जूओस्पोर स्टूडेंट्स क्या होता है? बाईफ्लेजिलेटेड होते हैं, दो इसके अंदर फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं जूओस्पोर। और कुछ स्पोर नॉन मोटाइल भी होते हैं। नॉन मोटाइल के अंदर जैसे कि कोनिडिया, क्लेमाइटोफोर, कोनिडिया, क्लेमाइटोफोर, आइडिया, या इसके अंदर स्प्रेंजियो स्पोर। ये सारे क्या है? नॉन मोटाइल। कोनिडिया, क्लेमाइटोफोर को क्लेमाइडोमोनास के साथ मत रिलेट करवाना। क्लेमाइडोमोनास जो होता है उसके साथ इसको नहीं करवाना है। क्लेमाइडोस्पोर, ऑइडिया या स्प्रेंजिया, स्प्रेंजियोस्पोर है, ये क्या है? नॉन मोटाइल है। और मोटाइल स्पोर क्या है? जूओस्पोर। और आप यहां पे ना कंफ्यूज मत होना क्लेमाइडोस्पोर के साथ। क्लेमाइडोस्पोर जो है वो नॉन मोटाइल है, और जो एक क्लेमाइडोमोनास एक एल्गा होता है, याद होगा आपके, एक एल्गा, एल्गी होती है, वो उसके अंदर जूओस्पोर होता है। नाम के अंदर कंफ्यूज नहीं होना आपको। उनके अंदर क्या होता है? जैसे क्या एग्जाम्पल लिखोगे तो क्लेमाइडोमोनास आप लिख सकते हो। तो ये है मोटाइल। मोटाइल जिनके अंदर फ्लेजिला प्रेजेंट होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है आपको बुक के अंदर मिल जाएगा, जो नोट्स की फॉर्म में दूंगा तो और
वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स इसके जो स्पोर के आपको मिल जाएंगे. और नॉन मोटाइल में क्या है, कोनिडिया, क्लेमाइडोफोर, ओइडिया, स्प्रिंजियोस्पोर. नॉन मोटाइल जो स्पोर तो नॉन मेटाइल का मीनिंग क्या समझोगे आप, नॉन मेटाइल का तो लोकोमेट नहीं कर पाए तो वो किसके थ्रू जाएंगे, एयर करंट के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू, ये भी जाएंगे, पर इनके अंदर फ्लेजला होता है. तो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल दो टाइप के स्पोर होते हैं. तो मोटाइल के अंदर मैंने बताया जो स्पोर क्लेमाइडोमोनास के अंदर, और अब हम पढ़ेंगे नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल में कोनिडिया, क्लेमाइडो स्पोर, ओइडिया और स्प्रिंजियोस्पोर, इनमें से दो मैंने स्प्रिंजियोस्पोर और जो कोनिडिया है उनके डायग्राम यहां पे बनाए हुए हैं, उनके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि सारे डायग्राम बनाने थोड़े पॉसिबल नहीं होते, इसलिए मैंने दो ही बनाए हैं यहां पे. जैसे कि कोनिडिया, ये जो स्ट्रक्चर्स यहां पे हैं ये है कोनिडिया, और ये जो नीचे है इनको बोलेंगे कोनिडियोफोर. कोनिडियोफोर ये क्या है, कोनिडिया, ये है यहां पे स्पोर्स, कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये क्या है कोनिडिया, और इसको क्या बोलेंगे कोनिडियोफोर. और यहां पे ये सप्रेंजियम, और जब ये डेवलप हो जाता है, जब ये ब्रेक डाउन हो जाती है इसके लिए, तो यहां से जो ये निकल रही है ये है स्पेंजियोस्पोर्स. ये क्या है स्पेंजियोस्पोर्स. उसके बाद ये अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ या एनवायरमेंटल करंट के साथ, चाहे वाटर है एयर, उनके साथ ये क्या है एनवायरमेंट के अंदर फैल जाते हैं. जनरली आपको पता है ब्रायोफाइट्स है या टेरिडोफाइट्स है, इनके अंदर वाटर बहुत जरूरी होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ये भी आपने आपको पता होगा. तो ये क्या है कोनिडियोफोर, ये क्या है कोनिडिया, ये कोनिडियोफोर चाहिए कोनिडिया बन रहे, कोनिडिया आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. और इधर क्या है स्प्रेंजियम, ये स्प्रेंजियम के अंदर ये इनके फ्रूटिंग बॉडी कह सकते हैं, इसके अंदर ये बनते हैं स्प्रेंजियम के अंदर स्प्रेंजियोस्पोर. ये आपने वैसे 11th क्लास के अंदर जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था तो उसके अंदर भी ये स्टडी किए थे. तो ये है स्पोर्स जनरली, और भी स्पोर काफी सारे हो सकते हैं, जैसे स्पोर स्प्रेंजियोस्पोर म्यूकर के अंदर होता है म्यूकर, और ये जो कोनिडिया जनरली पेनिसिलियम के अंदर मिल जाता है पेनिसिलियम. जो स्पोर का आपको बताया था किसके अंदर मिलता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर. ओइडिया है, ओइडिया लिखा था मैंने यहां पे ओइडिया, ओइडिया अगेनिकस के अंदर मिलता है. उसके अलावा भी आपको एक एक और एग्जांपल इनका स्टडी करना है. तो ये स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर क्या होती है, स्पोर्स आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये एक इनकी बॉडी जो होती है रेजिस्टेंस होती है एनवायरमेंटल फैक्टर से इनको बचाने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए इनकी बॉडी भी क्या होती है रेजिस्टेंस होती है. जैसे जो स्पोर के अंदर सेल वॉल नहीं होती फिर भी उनकी बॉडी इतनी रेजिस्टेंस होती है, भी ये एनवायरमेंटल कंडीशन जो या एनवायरमेंटल स्ट्रेस होती है उनसे उनको बचाती है. तो स्पोर क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. तो ये तो तीन चार टाइप के स्पोर, जो स्पोर का डायग्राम आपको याद रखना है या जो स्पोर के एग्जाम्पल ओइडिया का डायग्राम, ओइडिया का एग्जाम्पल कोनिडिया, कोनिडिया का एग्जाम्पल कोनिडिया के स्ट्रक्चर्स, स्पेंजियोस्पोर या इनके एग्जाम्पल्स, एक एक दो दो आपने याद रखनी है. ये आपको चाहे आपका सीबीएसई या एचबीएससी किसी का भी एग्जाम होता है, जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी पूछे जाते हैं, और नीट के अंदर भी इनके अंदर से क्वेश्चन लगभग कन्फर्म इनके अंदर से क्वेश्चन एक आधा पूछा जाता है. ये स्पोर फॉर्मेशन. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टडी करेंगे. कौन सा स्टडी करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो आपने ये अच्छे से स्टडी करना है, इनके एग्जाम्पल अच्छे से करने हैं. मैंने एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताया है, एक एक एग्जाम्पल आप सभी ने खुद ने करने हैं. ओके गाइस, थैंक यू.